और खबर दें आपको, लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को मजीद नजरबंदी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया है। जस्टिस अमजद रफीका पीटीआई रहनुमा जैनब उमर की दरखास्त पर फैसला। आबिद खान से तफसीलात जानते हैं, बताइए आबिद। लाहौर हाई कोर्ट ने आज हुकूमत को मजीद नजरबंदी के जो नोटिफिकेशन है उसे जारी करने से रोक दिया और 5 दिसंबर तक अदालत ने हुक्म दिया कि किसी भी किस्म का नया नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है और वकला को हदायत की है कि वो अदालत के रूबरू पेश होकर अपने दलायल जो है इस हवाले से मुकम्मल करें। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक की जानिब से अदालत को बताया गया कि ये कानून बुनियादी हकूक से मुतसादिम है। हुकूमत ने जो है 15,000 से जायद नजरबंदी के ऑर्डर निकाले पिछले 2 साल में, जो कि सिर्फ और सिर्फ सियासी बुनियादों पर निकाले गए। 3 MPO का जो इतलाक है वो सिर्फ मखसूस हालात में किया जा सकता है। नजरबंदी का कानून जो है उसमें तरमीम होनी चाहिए, मगर इसके बावजूद हुकूमत उसका बेदरेग इस्तेमाल कर रही है, लिहाजा अदालत इस कानून को कलअदम करार दे। अब अदालत ने 5 दिसंबर तक कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी करने से रोकते हुए वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आबिद खान।